नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। संत बाबा उमाकांत जी ने खोला गोस्वामी जी रचित घट रामायण और रामचरितमानस का गोपनीय भेद। चाहे सुनने में थोड़ा कड़क लगे, लेकिन सत्य बोलकर सबका भला करने वाले, कूप मंडो क्या लकीर के फकीर न बनने की बात समझाने वाले, गुड़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले, परफेक्ट समझे जाने वाले, सिस्टम की सीमाएं बताने वाले, आंखों देखी बात करने वाले, किताबों से आगे जाकर प्रैक्टिकल करवाने वाले, इस समय के पूरे समृद्ध संत गुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने बताया कि आजकल वेद ना कोई पढ़ता ना कोई जानता है। आगे की जानकारी वेदों में भी नहीं है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले लिखा घट रामायण, यानी जो अंदर घट में होता रहता है, मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो। लेकिन लकीर के फकीर बने लोगों के विरोध की वजह से उन्हें उसे गोपनीय कर दिया। फिर लिखा रामचरितमानस, जिसके शुरुआती भाग में बहलाने के लिए राम का किस्सा कहानी लिखी और आखिरी कांडों में आध्यात्मिक का वर्णन किया, जिसे लोग समझ नहीं पाते। जिसने खुद नहीं देखा वो क्या बताएगा। लोग किताबों में ही उलझे रह गए, सिख भी किताब पढ़ने में ही रह गए, जबकि वक्त के गुरु को खोजने उनके पास जाकर अपना कल्याण करने के लिए रखा है। रामचरितमानस है, लिखा तो गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले घट रामायण। घट रामायण किसको कहते हैं? जो अंदर घट में होता रहता है, यानी समझ लो कि 2400 घंटा जो दृश्य दिखाई पड़ता रहता है, मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है, उन्होंने उसको लिखा। लेकिन उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। खान पान तो बहुत अच्छा था, चाल चलन तो पहले के समय में उस समय पर लोगों का बहुत अच्छा था, विचार भावनाएं तो लोगों की बहुत अच्छी थी, लेकिन सोच समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं था, संतों की उस समय पर इतनी पहुंच वालों की कमी थी, इसलिए उनको हर चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती थी, तो वो लकीर के फकीर बने हुए थे। तो जब कोई ऊपर के चीज़ों को बताने लगता है तो लोग उसको पागल कहने लगते हैं। जो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है उसको जब कोई बोलने लगता है, कहने लगता है, बताने लगता है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, और बार बार अगर उसी बात को कहने लग जाए तो लोग कहेंगे ये पागल है, ये पागल है। तो कहा ना, पलटू नहा भोगता साध देख कर श्वान, और जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान, यानी समझ लो उनसे लोग बैर कर लेते हैं। तो जब बैर करने लग गए और उन्होंने कहा कि हम चले जाएं, कितने लोगों को समझा पाएंगे, आज की तरह से इंडिया मीडिया तो था नहीं कि तुरंत प्रचार हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इसको अब बंद कर दो, ऐसे के ऐसे रख दो, और अन्य समझ लो कि अब सरल भाषा में हिंदी में अन्य इनको जैसे किस्सा कहानी सुना करके कोई चीज़ समझाई जाती है बच्चों को। पहले बच्चों को माताएं जब गिनती गिनाने को, यानी समझ लो है कि उन्होंने किस्सा कहानी बनाया, किसका? राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके उनकी एक कहानी बनाई कि वो वहाँ पर पैदा हुए, गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, वहाँ से सीख के आए, फिर राजगद्दी पर ठोकर मारा, फिर जंगल में गए, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा रावण का विनाश किया, फिर वापस अयोध्या आए। तो यह सब तो शुरू में किस्सा कहानी बनाया उन्होंने, है तो सब आदर्शात्मक। वो उनके इतिहास को कोई पढ़ करके, राम के इतिहास को पढ़ करके और राम के अनुसार अगर चलने लग जाए तो हम तो उसको पक्का भक्त मानेंगे। राम के नाम पर कमाई करके, राम के नाम पर ठगी करके, राम के नाम पर धोखा दे करके, जब अन्य समझ लो कि लोग अन्य समझो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, है तब वो लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, जान का खतरा पैदा हो जाता है, जान लेवा हो जाता है। लेकिन अगर उनके आदर्शों पर चला करके उस तरह से अगर काम किया जाए, कराया जाए, तो अभी पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक किस्सा कहानी बना करके लोगों का मन उधर लगा करके, और फिर अपने आखिरी उधर कांडों में अन्य समझ लो उन्होंने आध्यात्म का वर्णन कर दिया। अब वो आध्यात्म सबके समझ में तो आता नहीं है। जैसे कहो कि अंधे को कहो
कि देखो ये भगवान खड़े हैं तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा।